देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली से कोरोना को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसमें 900 लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि सऊदी से लौटी एक महिला ने मौजपुर के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया था और सारा मामला यहीं से शुरू हुआ। महिला के कारण मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर को भी कोरोना हो गया। सावधानी ना बरतने के कारण डॉक्टर की पत्नी और बेटी को ऐसे करते करते अब मौजपुर इलाके के 900 लोगों को कोरोना ने अपने आगोश में ले लिया है। इसी के चलते सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। इस घटना के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि शमा नाम की महिला जो सऊदी अरब से आई थी वह 12 मार्च को मौजपुर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर गोपाल झा से मिली और डॉक्टर गोपाल झा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी समेत कुल 8 लोग और संक्रमित हुए। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर के पॉजिटिव मिलने के बाद पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। 2 दिन बाद मौजपुर समेत सभी मोहल्ला क्लिनिक को सैनिटाइज किया गया है। इसी के साथ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।